आज वीर कन्या कालीबाई महाविद्यालय का छात्र संघ उद्घाटन समारोह में हमारे साथी सागवाड़ा विधायक जी एवं कांति भाई एसबीबी गवर्नमेंट कॉलेज के पूर्व प्रेसिडेंट उमेश जी डामोर और साथ ही बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश संयोजक पोपटलाल जी खोकरिया, मनीषा जी मीणा, समस्त स्टाफगण, मीडियाकर्मी, सभी छात्र छात्राएं, आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक जोहार अभिनंदन करता हूं। आज इस कॉलेज में मतलब मेरे विधायक बनने के बाद मुझे दूसरी बार आने का मौका मिला। पिछली बार भी छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन ही था, आमंत्रित किया था, तो आज इस अवसर पे मतलब मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि ये हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं इस कॉलेज में आके मतलब 12वीं पढ़ने के बाद हम यहां ग्रेजुएशन करने आते हैं, तो हमें ये तय करना होगा कि हमें कॉलेज में जाके क्या करना है, हमारे सामने क्या विडंबना है, किस चीज की कमियां हैं, उस कमियों को रहते हुए भी हमें किस तरह अध्ययन करना है। अभी प्राचार्य महोदय ने भी संचालन मतलब स्वागत उद्बोधन किया, हमारी वर्तमान जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी बताया, सबने कमियां बताई और है कमियां, और ये मानव जीवन और मानव स्वभाव ऐसा है कि हम कभी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, लेकिन हमें यह तय करना है कि इन कमियों के बावजूद हम किस तरह तैयार कर रहे। अब शिक्षा की बात हो रही है, मुझे भी दुख होता है, पिछली बार भी यही बात हुई थी, अब भी आया प्राचार्य महोदय से भी मुझे भी मतलब हिचकिचाहट हुई कि मैं किस तरह ये बात करूं कि यहां पर स्टाफ नहीं है, आज हम एक जनप्रतिनिधि चुन के गए हैं, लेकिन हम खुद महसूस करते हैं कि कुछ कमियां ऐसी है जो हम चाह कर भी पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब आप लोगों को यह सोचना है कि हम क्या करें। अब एकलव्य की बात करूं मैं, जब गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने गए थे वो, तो उन्होंने नीच जाति का आयु बताकर शिक्षा देने से ना कह दिया था। तो गुरु जब एकलव्य ने ठान लिया था कि मुझे धनुर्विद्या सीखनी है, तो उन्होंने जंगल में जाकर अपने आप इतना प्रयास किया कि वो आज विश्व विख्यात हैं, और वो एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे, बिना गुरु के उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। हमें ठानना पड़ेगा, आप इस कॉलेज में जो रोल है 1600 के लमसम रोल है, कई छात्रा ऐसी है जो एडमिशन लेने आती है, बोर्ड फॉर्म भरने आती है, छात्रवृत्ति का भरने आती है, लेकिन उनका टारगेट रहता है कि मैं फर्स्ट ईयर में हूं, मेरी बीएससी है या आर्ट्स है, मुझे इतना परसेंट बनाना है, इतना परसेंट बना के मुझे नेट करना है, सेट करना है, मुझे ये वैकेंसी तैयार इस वैकेंसी में जाना है, मुझे आरएस बनना है, ये ठानते हैं और वो अवश्य सफल होते हैं। आपने भी देखा होगा वार्षिक ये प्रोग्राम होता है, पारितोषिक वितरण समारोह होता है, तो कई छात्रा ऐसी आती है जिनका आप लोगों ने कभी चेहरा नहीं देखा होगा कॉलेज में, लेकिन वो पढ़ते हैं। हमें उस तरह तैयार होना पड़ेगा। हमारे इलाके में अगर हम ये ठान के बैठेंगे कि हम कमजोर हैं, हमारी सुख सुविधा नहीं है, हमें भौतिक सुविधा नहीं मिल रही है, तो हम अपने आप कमजोर हो जाएंगे। हमें ये महसूस करना पड़ेगा कि हम कमजोर नहीं है, हमारे अंदर वो ताकत है कि हम अच्छा पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, हमें जो सुविधा मिल रही है उसका तो प्राप्त करना ही है, जो टीचर आ रहे हैं उनका अध्ययन करना है, इसके बाद नहीं मिल रहा है तो हमें ये बैठ के नहीं बैठना है, ये सोच के नहीं बैठना है कि हमारा ये टीचर नहीं है तो मैं नहीं पढ़ूं, फिर फेल होने के बाद ये हम ये दोष नहीं दे दे कि अध्यापक ही नहीं थे इसलिए हम फेल हो गए। हमारी तरफ से आज जनप्रतिनिधियों में मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि यहां पर जो अध्यापक की मतलब सॉरी प्रोफेसर की जो कमियां हैं उसकी पूर्ण की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि हमारे इलाके से जब तक हम लोग नहीं तैयार होंगे,
और हमें आज ये ठानना है आप लोगों को कि जो कमियां हम महसूस कर रहे हैं वो कमियां आने वाले भविष्य के लिए आने वाली जो हमारी छात्रा है बहने हैं उनको वो कमियों से नहीं जूझना पड़े, ये ठान के आप लोगों को अच्छी से अच्छी तैयारी करनी है और आने वाले समय में इस कॉलेज में आप में से ही बन के कोई आएगा प्रोफेसर, इस इलाके में आप में ही बन के कोई ना कोई अधिकारी आएगा, तो आप लोगों को इस तरह तैयारी करनी है। और मुझे दुख हुआ अभी कॉलेज की कुछ ऐसी समस्या बताई जो कॉलेज लेवल की थी और छात्र संघ कार्यकारिणी लेवल की थी, यहाँ का जो स्टाफ है उस लेवल की थी, वो समस्या हमारे सामने आ रही तो हमें दुख होता है। ये डूंगरपुर जिले का मतलब छात्राओं के लिए सबसे बड़ा कॉलेज है और उस कॉलेज में ऐसी बातें आती है तो पूरे जिले को शर्मसार करती है। हम ऐसे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, अभी हमारे सागवाड़ा एमएलए साहब ने बताया कौन थी वो कालीबाई, वो कालीबाई ये थी जो शिक्षा के लिए अपने गुरु के लिए जान गवाई, उस महान जो थी उनके नाम से जो कॉलेज बनी है उसमें पढ़ रहे हो तो आप लोगों में वो जुनून होना चाहिए। और इस कॉलेज में कई तरह के फंड रहते हैं छोटे मोटे, जो छोटी मोटी समस्या उसका समाधान आप लोग अवश्य कराए। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में ऐसी जो छोटी मोटी बातें हमारे सामने नहीं आए। और बाकी जो चीजें हैं, मैं पिछली बार आया था तो कुछ डिमांड थी तो मैंने भी सोचा, तो मैं भी पिछली बार घोषणा करके गया था कि एक बगीचा बनाएंगे, तो मैंने रिकमेंड कर लिया है कुछ समय में सेंक्शन हो जाएगा और इसका निर्माण भी करा देंगे। लेकिन अभी सागवाड़ा एमएलए साहब ने भी बताया कि ऐसी क्या चीजें हम करा सके हमारे फंड से हमारे कार्य क्षेत्र में हो, तो छात्र संघ कार्यकारिणी और प्राचार्य महोदय अवगत कराए तो उसका भी हम समाधान कराएंगे। आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट की ताकत क्या होती है हमें जानना होगा, हम हमारी ताकत नहीं पहचानेंगे तो मजा नहीं आएगा। स्टूडेंट लाइफ कॉलेज में 3 साल निकाल दोगे, पीजी में 2 साल निकाल दोगे, 5 साल निकाल दोगे, इसके बाद हमें आने का मौका नहीं मिलेगा, हम चाहकर भी नहीं आ सकते हैं। मैं भी स्टूडेंट लाइफ से सीधा विधायक बना तो मैं आज चाहकर भी यहां नहीं आ सकता हूं। आप लोग आमंत्रण किए इसलिए आया हूं, कोई ना कोई ऐसे अवसर पे आएंगे हम, तो ये जो जीवन है हमें अच्छे तरीके से जीना है। और एक हमारा ट्रेड बन चुका है अभी शिक्षा। शिक्षा क्या है, हम सिर्फ किताबी दुनिया में जूझ रहे हैं कि हमारा ये सिलेबस है, उस सिलेबस के अनुसार हमको पढ़ना है और पास होना है और डिग्री प्राप्त करनी है, हमारी वो मानसिकता बन गई है। लेकिन हमें वो मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी। ज्ञान वो चीज है कि हर जगह से सीखने मिलेगा, वो हमारे सिलेबस से बाहर भी बहुत चीजें ऐसी है। कई लोग मैं देखता हूं कि स्टूडेंट होते हैं, बीएड करे हुए होते हैं, कोई डिग्री धारक होते हैं, लेकिन उसके फील्ड के अलावा कुछ भी जानकारी पूछ ली कि इंद्रावास की कितनी किस्त आती वो जानकारी नहीं मिल पाती हमें। आप लोगों को अपने क्षेत्र की जो स्थिति है उस स्थिति के अनुरूप बनना है। हमारे माँ बाप ने पढ़ा लिखाया है तो हमें सरकार की जो योजना है उन सभी योजनाओं के बारे में जानना है, इस देश दुनिया में जो चल रहा है उसके बारे में जानना है। हमें ये जान के बेहतर हम क्या कर सकते हैं वो आप लोगों को सोचना है। हमारे इलाके में मतलब ये चीज में मैंने सीकर से बीएड की थी तो मैंने वहां का वातावरण यहां का वातावरण देखा तो कोई डिफरेंस है, पर हमारी सोच में वो डिफरेंस है। हम ऐसा ठान के बैठ गए हैं कि हमारे पास भौतिक सुख सुविधा नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है, वो हमने ठान लिया, हमारे दिमाग में डाल लिया है और वो कचरा है एक तरह का, और वो कचरा निकालना पड़ेगा आप लोगों को। कई लोग ऐसे इस इलाके में कि जो चिमनी में पढ़ के आरएस बने हैं, मेरे रिलेटेड भी हैं, मेरे परिवार में भी हैं, जो चिमनी में पढ़ के आरएस बने हैं और आज हमारे लाइट होती है और मम्मी पापा को कहते हैं कि हमारे कूलर नहीं इसलिए मैं पढ़ाई नहीं करूंगी। तो ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों को मतलब साइड में करनी पड़ेगी हमारी जो सोच है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यहां पर आमंत्रित किया और हमारी तरफ से आने वाले समय में हम विधानसभा में पूरी कोशिश करेंगे। मैं इस स्टूडेंट लाइफ से ही निकला हूं तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश की थी, एक सत्र चला था और अभी 4-4.5 साल बचे हैं और तो हमें जो 5 साल की नौकरी मिली है उस नौकरी में हम जितना बेहतर कर पाएंगे इतना पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए, आपके कॉलेज के लिए, इस क्षेत्र के लिए, इस जिले के लिए। और आप लोगों को भी अपना कर्तव्य निभाना है
छात्र संघ कार्यकारिणी को भी मैं कहना चाहता हूँ, अभी कुछ बातें आ रही थी, मैंने पूछा कि सर हमारी बात नहीं, मतलब सर का ताला लॉक करो, एक दिन सर का भी पंखा बंद करो, सर का भी लाइट बंद करो। मतलब ये छात्र यूनिटी का ताकत होनी चाहिए, और छात्र यूनिटी को जगाने के लिए आप लोगों को जगना है, और आप लोगों को छात्र यूनिटी को मतलब परेशान करना है, तो छात्र यूनिटी अपने आप कॉलेज प्रशासन को कहेगी, तो कॉलेज प्रशासन भी आगे बात पहुंचाएगा। इस दुनिया का सिस्टम में मांगने से ही सब कुछ मिलता है, बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है। हम कितनी भी बातें कर ले, बाकी हमने मांगा नहीं, हक छीनना पड़ता है। ये सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के अनुरूप हमें भी अपना हक मांगना पड़ेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आमंत्रित किया उस लिए, और आपसे ये गुजारिश करेंगे कि इस कॉलेज का, इस एरिया का नाम रोशन करें हम सब मिलकर।